तो भाई लोग कैसे हो, फिर से आ चुका है रेड जैकेट पर। और भाई पोजीशन देख रहे हो भाई, एक पोजीशन ही ऐसी थी ना कि यहाँ से किल्स मिलने वाले थे। मतलब कोई भी बंदा आएगा यहाँ पोजीशन लेने, तो हमको लगा भाई एक बंदा नॉक कर दिया, अभी डुओ क्लच करेंगे तभी ये होता है भाई। एक एक हमको तो ऐसा लगा कि साला पहले हेड शॉट मारा है बंदा, पीछे से कहीं AWM भी था इसका, पीछे से AWM चला रहा था, तो हमको लगा भाई ये हेड शॉट मारा है भाई। हमको विश्वास नहीं हो रहा था भाई, ये हमको ऑटो गन से ऐसे मार दिया स्प्रे वगैरह। तो भाई हम अपने क्या डेट सी प्ले देखते हैं, तो भाई देखो हमको मारा कैसे। अब भाई यहाँ पे गाड़ी है, मैं उधर मार रहा था, एक बंदा नॉक किया भाई हेड शॉट, पूरा हेड ही हेड पूरा मार दिया। मतलब भाई एक सेकंड में भाई क्या बंदा होता है भाई। और भाई अच्छा खासा मैच बिगड़ जाता है, अच्छा खासा प्लस मिलने वाला था, 13 का ही प्लस मिलता है। अब क्या करोगे, 3-4 किल पहले से कर लिए थे। आई देखो भाई क्या पैसा, अरे बाप रे ये स्किन को चेंज कर लिया। अरे भाई जहाँ तक कि हमारा मतलब है ना, हमें लगता है कि तुम ड्राइवरवा को मार देते हो, दूसरा पलर हुआ उसका भाई सीट चेंज करके सोचा कि भाग जाए। अरे ऐसा नहीं है भाई, आजकल स्किन का कुछ अलग आ रहा है, ऊपर से टच करोगे तो स्किन बदलेगा समझे। तब तुम क्या समझते, इधर पिटाई चल रहा है स्किन लगा रहा होगा मतलब। अरे भाई ये मरते मरते स्किन देके चला गया UAZ का, इसका स्किन नहीं था हमारे पास, तो ये बढ़िया है। और भाई ये जो पोजीशन मिली थी ना ब्रिज वाला भाई, हम मिलिट्री बेस में ही थे और मिलिट्री बेस ही सर्कल बन गया था, तो हम लोग आगे ब्रिज कैंप कर लेते हैं इतना इजी भाई। मतलब ये जो पोजीशन थी ना भाई, एकदम भाई यहाँ से 10 किल करके हम जाने वाले थे, लेकिन ये जो हमारे रैंडम भाई साहब थे, इनको भाई कुछ पसंद नहीं आया, ये बोल रहे थे हमारा किल चुरा लिया। मतलब कुछ नहीं भाई, यहाँ से चले गए। अब बताओ भाई, हम बोल रहे थे भाई बैठो ना 2 मिनट, बहुत सारे बंदे आएंगे, बहुत का बहुत बंदे आएंगे, साला 10-15 किल कर लेंगे, 5-5 बांट लेंगे। आई बोलते नहीं भाई हमको सर्कल जाना है, बताओ छोड़ के चले गए। आई यहाँ से देखो उसका सुझा मारता कहाँ से, हम बैठे हैं। अब बस तुम देखो भाई होता क्या है हमारे साथ, मतलब भाई का चल रहा है, मतलब कहीं से मार देंगे गोली। सलाम बैठे थे, सलाम मुड़ी पे मार रहा है गोली सब 300 मीटर पहले से, एक और टैप टैप मार के। इका बकचोदी भाई, मर जाता हूँ भाई यहाँ पे। भाई टीममेट रहता तो कुछ सोचते भाई, अब क्या बताऊँ, और रिकॉल भी नहीं कर पाता है टीममेट। मतलब ऐसा ऐसा पोजीशन पे भाई रैंडम छोड़ के चला जा रहा है, क्या बताए तुम लोगों को भाई। कहना क्या चाहते हो? अरे भाई हम कुछ भी कहना चाहते हैं, पहले तुम कौन ही बताओ भाई। हम कोई भी हो, जब रैंडम बेकार आ रहा है तो रैंडम के साथ क्यों खेल रहे हो, लंड पर के रैंडम के साथ। अरे भाई भाई क्या बोल रहे भाई भाई। अरे भाई इतना अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर उनके साथ खेलो ना। अरे भाई ने 1.5 लाख का बात कहा, क्या ही भाई बात कहा। और भाई जैसे कहते हैं ना कि लास्ट जोन में बीच सर्कल होल्ड कर लोगे ना, तो ऐसे भाई साहब कितना भी प्रो होना तुमको चलते दिखाई दे देंगे। एक बार एक स्प्रे मारोगे ना तो उनको खुद पता नहीं चलेगा कि साला स्प्रे आ कहां से रहा है, मर जाएंगे एकदम भाई, टाइम ही नहीं लगेगा। देखो कितना बीच में हम सर्कल के, साला एकदम बीच में। और भाई जो पिछले भाई साहब थे ये पता नहीं कौन थे, लेकिन भाई साहब ने क्या ही ज्ञान का बात बोला कि सब्सक्राइबर के साथ खेल सकते हो, रैंडम के पीछे मतलब क्यों पड़ जाते हो तुम। तो भाई यार हम सब्सक्राइब, भाई तुम लोग आओ साथ में खेलते यार, प्लस करते, क्योंकि भाई अब मुश्किल हो रहा है यार रैंडम खेल खेल के भाई। अच्छा अच्छा गेम थोड़े थोड़े से बिगड़ जा रहा है, बताओ कोई छोड़ के चला जा रहा है, कोई लास्ट में साथ नहीं रह रहा। अब यही भी ये भी नमता, देखो गाना बजा के बैठा है पहले से। अरे भाई तुम जो ये अपने सब्सक्राइबर को खेलने के लिए बुला रहे हो, मतलब उनके लिए रिक्वायरमेंट डाल रहे हो, तो भाई उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अरे भाई हम दे रहे हैं ना, उनका भाई कम से कम KD होनी चाहिए, एकदम 0.75 से ऊपर होना चाहिए KD कम से कम। और भाई ज्यादा से ज्यादा 1 का हो 1.5 का हो 1.5 का हो तो बहुत अच्छा है भाई, तो इतना ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है KD के लिए आप। अरे भाई भाई मेरा तो 2.01 का KD है, मेरे साथ खेलोगे? अरे भाई भाई इतना भाई कुछ ज्यादा प्रो नहीं हो गया भाई, इतना ज्यादा आपके पास एबिलिटी हो तो भाई हम नहीं खेल सकते, क्योंकि भाई ज्यादा प्रो के साथ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा ना। खैर भाई मजाक कर रहा हूँ, जिनका भी डुओ में टियर हो वो लोग भाई रिक्वेस्ट भेजो, तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ भाई। ये देखो भाई सर्कल में आ रहे हैं स्मोक बिछा के, देख रहे हो भाई मतलब इनका। अरे बाप रे तो हमारा विजन ब्लॉक कर रहा है ससुरा। तो भाई कहने का मतलब कि ज्यादा प्लस जा नहीं रहा है, फिर भी अपना टारगेट देख रहे हो कितना कम है, 120 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट। अब भाई 100 पॉइंट का टारगेट इतना कम है कि साला खराब मैच जा रहा है 5-6 को, फिर भी हम कर ले रहे हैं इजी। तो भाई ये मतलब कितना इजी हो गया कॉन्कर करने के लिए, अगर 100 पॉइंट आप रोज ऐड कर दो भाई, कंटिन्यू रुकना नहीं एक भी दिन। तो भाई देखो आज हमारा 5000 पॉइंट पूरा हो गया, कल 4900 बताए थे ना, अब कल 5100, परसों 5200। भाई देखो ज्यादा ज्यादा भी पॉइंट बढ़ेगा 5 दिन में, 10 दिन में बढ़ेगा हमको लगता है 6000 पॉइंट 200, क्योंकि 5 दिन में अभी 5800 पॉइंट हुआ है, 5700 से 5800 होने में 5 दिन टाइम लगा है उसके भाई, मतलब अनुसार ही बता रहे हैं ना। अब भाई लोग इतना दिमाग लाया था, हमरो विजन ब्लॉक किया था सब कुछ, और भाई इतना तो आदमी नूब नहीं है कि सामने से तुम आओ तो छोड़ दे भाई। अब भाई यहाँ पे इतना लैग करता है ना कि हमारा डैमेज देखो कितना हो जाता है, लैग ही के चलते हुआ इजी हम नॉक कर देते, साला डैमेज भी रिसीव इतना ज्यादा कर लेता है हमारा फोन लैग के चलते। अब क्या बताया भाई, Xiaomi के सर्विस सेंटर में बात किया था, देखो इजी मॉली करके मार देता है, साला भी डैमेज नहीं हुआ जाता तो भाई हम घुस के मारते, नहीं तो यहाँ पे फाइट वेट लेते, क्लच वगैरह करते, लेकिन भाई ही लगाने का भाई टाइम नहीं लगता है, टाइम वेस्ट होता है, अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। तो भाई इजी 1-2 अच्छा प्लस निकल गया तुम्हारा 100 का टारगेट पूरा, हम कल बताए थे ना 3.5 घंटे में कितना अच्छा प्लस। अभी देखो अच्छे अच्छे बंदे थे जिसको नॉक किया था, कितना 3.5 वगैरह KD पेल देते हैं इजी। और भाई जल्दी फोन को डाउनग्रेड करा के मतलब अपडेट डिलीट करवा के अच्छा खासा करने वाला हूँ, मतलब लैग टैग नहीं करेगा। तो भाई यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब मार दो।